हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ईकेवाईसी कराना चाह रहे हैं या फिर आप दोस्तों एक सीएससी बीएलई हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहां पर झेलना पड़ रहा है कि आपकी जो ओटीपी है वो नहीं आ पा रही है या फिर दोस्तों आपके बायोमेट्रिक नहीं ले पा रही है, तो आज की वीडियो में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा और आपको यहां पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी जो ईकेवाईसी है वो कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी और आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के द्वारा भी। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाले नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी घंटी के निशान को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पीएम किसान की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा pmkisan.gov.in। जैसे आप इसे टाइप कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों भाई लोग ईकेवाईसी कर सकते हैं जिनके पास सीएससी आईडी होगी, यानी कॉमन सर्विस सेंटर की जो आईडी पासवर्ड होता है भाई, यानी सीएससी बीएलई ही कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप अपनी केवाईसी किस प्रकार से करा सकते हैं और सीएससी बीएलई भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे उनको सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिजिटल सेवा कनेक्ट की जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डालना होगा और यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, ये कैप्चा इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये जो कैप्चा है सेम फिल कर लेता हूँ और आईडी पासवर्ड मेरा दोस्तों यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर साइन इन वाले बटन पर क्लिक करके पहले से साइन इन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों साइन इन कर लिया है और साइन इन करने के बाद वेलकम टू सीएससी यूज़र लिखकर आने लगा है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर अपनी जो सीएससी आईडी है उसके थ्रू अपना पीएम किसान का पोर्टल है लॉगिन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है किसान का, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जैसे आप 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है किसी भी किसान का आप यहां पर डालेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना होगा। और जैसे आप ये कैप्चा फिल करेंगे तो आपको यहां पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है ये किसान का वो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो डाल दिया है और ये कैप्चा भी यहाँ पर फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का एक ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा एंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो भी आप कोई सा भी मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपका आधार कार्ड से रजिस्टर ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर दिया है और जो गेट मोबाइल ओटीपी वाला एक बटन मिलता है आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद इस पर क्लिक करना होता है, जो ग्रीन रंग से आपके सामने दिख रहा होगा। तो जैसे आप गेट मोबाइल ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है 4 अंकों का, तो वो ओटीपी आपको देख कर इसमें वाले बॉक्स में फिल करना होता है। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन में जो किसान का मैंने नंबर डाला है, जिस किसान की मैं ओटीपी मैंने आधार ऑथेंटिकेशन केवाईसी कर रहा हूँ उसके मोबाइल में ओटीपी देख कर इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप इसे सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाती है।
तो सबसे पहले हम अपनी जो OTP है उसको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया और गेट मोबाइल OTP पे हमने क्लिक भी कर दिया। अब OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ चुकी है, OTP हमने यहाँ पर डाल भी दी है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारी OTP है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने OTP को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डालकर OTP वेरीफाई यहाँ पर हमने कर ली है। OTP वेरीफाई करने के बाद हमें कैप्चर फॉर EKYC करना है। उसके बाद हमें मॉर्फो डिवाइस मिल जाती है, यहाँ पर RTEC डिवाइस मिल जाती है और यहाँ पर हमारी जो मंत्रा डिवाइस है वो यहाँ पर मिल जाती है। सभी डिवाइस यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे आप चाहे किसी से डिवाइस से कर सकते हैं। तो मैं मंत्रा से कर रहा हूँ, तो मंत्रा पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी डिवाइस यहाँ पर ऑन हो जाएगी और पुट योर फिंगर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं फिंगर रखवाता हूँ यहाँ पर किसान का। तो जैसे यहाँ पर किसान का फिंगर रखा है तो यहाँ पर दोस्तों सक्सेस का मैसेज आ चुका है और यहाँ पर सक्सेस वाले बटन पर आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इसे ओके कर देते हैं तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, तो इसे सबमिट आपको कर देना है। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो सबमिट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है EKYC डन, प्लीज़ मेक पेमेंट फॉर EKYC। तो आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो पेज है पेमेंट का वो आपके सामने खुलकर आ जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आने के बाद सबसे पहले आपकी जो CSC रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, CSC ID और रेफरेंस नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर 5.34 रुपये का जो भुगतान है वो करना होता है। उसके लिए दोस्तों आपको अपनी CSC का पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको वैलिडेट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको वॉलेट पिन डालना है, जहाँ पर आपको वॉलेट पिन आपने जो भी बनाया है अपनी CSC ID का वो आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको पे वाले बटन पर क्लिक करके 5.34 रुपये का भुगतान कर देना है। तो जैसे ही चाहे आप पे करेंगे तो पे करने के बाद दोस्तों आपके सामने थोड़ी देर कुछ इस तरह से वेटिंग लेने के बाद सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है 100% सक्सेसफुल हो जाती है और योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट डन सक्सेसफुली का एक मैसेज आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद जब आपकी पेमेंट की जो स्लिप है यहाँ पर आ जाती है तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है पेमेंट है वो यहाँ पर डन हो चुकी है। अब उसके बाद आपके सामने नीचे आपकी ट्रांजैक्शन ID मिल जाती है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी जो CSC ID वो यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन ID पूरी मिल जाती है और यहाँ पर उसकी डेट और टाइम मिल जाता है और ट्रांजेक्शन का स्टेटस का सक्सेस का मैसेज आपको मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो टैक्स अमाउंट है जितना आपके पैसे कटे हैं वो 5.34 रुपये कटे हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 15 रुपये का टैक्स अमाउंट लिखकर आ जाता है और साथ ही साथ आपको मर्चेंट रिसिप्ट नंबर भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आप दोस्तों अपने जो भुगतान है उसका पेमेंट आप किसान से ले सकते हैं और इसे Ctrl+P के माध्यम से दोस्तों इसे प्रिंट करके किसान को दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। इसे आप दोस्तों अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसे Ctrl+P दबाना है और Ctrl+P दबाने के बाद आपको इसे पेमेंट को जो भी है स्लिप को किसान को दे देना है जिससे वह संतुष्ट हो सके। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।